नमस्कार, मैं हेमराज प्रसाद। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा अच्छा चीज लाता हूँ जो स्टूडेंट से और स्कूल से संबंधित रहता है। मेरा चैनल जो है बिहारी बाबू हेमराज। आज मैं एक नया चीज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो मैं हमारे जो छोटे स्टूडेंट हैं या बड़े जो स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए कैलीग्राफी राइटिंग के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि कैलीग्राफी राइटिंग क्या होता है, लेटर क्या होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड पर। इस चीज को सिखाने के लिए हमारे पास है नंदिनी प्रिया जी। नंदिनी प्रिया जी, आप बता सकते हैं कि कितने तरह के आप लेटर को जानते हैं इंग्लिश में? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर डूइंग हियर, यू आर डूइंग द कैलीग्राफी राइटिंग। इट्स अ आर्ट ऑफ राइटिंग, हाउ टू राइट आवर राइटिंग इन अ डिफरेंट वे। ऐसे हम नॉर्मल एबीसीडी भी लिखते हैं, बट और फिर हम लोग अगर नॉर्मल एबीसीडी सबको आती है लिखना, कैपिटल और स्मॉल बोथ, बट कर्सिव राइटिंग होता है वो किसी किसी बच्चों को आता है कर्सिव राइटिंग लिखना। जो कि इंग्लिश अगर हम सीख रहे हैं तो हमें कर्सिव राइटिंग लिखना आना ही चाहिए। और दूसरा है कि अगर हम आज हम कभी कार्ड देखते हैं या फिर अगर हम अपने मम्मी पापा के लिए अगर कोई कार्ड बना रहे हैं तो हम उसमें कोई कोटेशन लिखते हैं, तो हमको उसमें अगर हम नॉर्मल राइटिंग लिखते हैं तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। आज का जमाना वही है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो हम लोग किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमको डेकोरेट करना आना चाहिए। तो हम लोग वही कैलीग्राफी राइटिंग है, वो एक आर्ट है जिसमें हम लेटर्स जो अल्फाबेट्स होते हैं जो उसको हम डिफरेंट तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो एक तो कर्सिव राइटिंग हो गया, दूसरा होता है कैलीग्राफी राइटिंग। उसमें ऐसा नहीं कि जो मैंने बच्चों को सिखाया है वो वैसा ही होता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट ये जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब अगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इससे बच्चों का ये फायदा होगा कि बच्चे जो हैं अगर अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड बना रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए कार्ड बना रहे हैं, अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमा के लिए कार्ड्स बना रहे हैं, किसी के लिए भी कार्ड्स बना रहे हैं, तो वो उस पर किसी और से नहीं लिखवा कर वो अपने से लिखें, ताकि उनको, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग जो है वो जो रेडीमेड कार्ड होती है उनके जैसी ही ये भी लगे। इसलिए हम बच्चों को सोचे कि चलो ये भी करवाना चाहिए, ये भी काफ़ी अच्छा है और बच्चों को सीखना चाहिए, क्योंकि वो अभी सीतियोग इंटरनेशनल स्कूल में आए हैं और सीतियोग इंटरनेशनल स्कूल जो वो अपने बच्चों को किसी भी चीज में किसी भी स्कूल से कम नहीं आंकते। दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग देम द हाउ टू राइट कैलीग्राफी राइटिंग। सो थैंक यू, थैंक यू। आज इन लोगों ने बताया कैलीग्राफी लेटर के बारे में, जो आप पे इसे आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कार्ड बनाना हो, जैसे हैप्पी न्यू ईयर कार्ड बनाना हो या फादर डे का हो या मदर डे का हो, उस पर आप ई कैलीग्राफी लेटर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी नंदिनी जी आप यहाँ के लिखे हैं, के बाद अगला लेटर आप जो है कैलीग्राफी में लिखेंगे तो काफी अच्छा हो। So we are writing a K and I was going to write L. First we have to make this line, then after that we have to make shading, then we have to make a border line, we have made this border line, after that we have to make shade. तो अभी आपने देखे कि यहाँ पर नंदिनी जी ने कैलीग्राफी में एल एल लिखे, और मैं देखता हूँ कि बच्चों कैसे लिख रहे हैं। आप बच्चों को देख सकते हैं, दिखाओ तो कैसे लिखा, सारे बच्चे दिखाओ।
समर कैंप में बच्चों को काफी फायदेमंद होते हैं जो सारे स्कूलों में नहीं बताया जाता है, मगर समर कैंप एक ऐसा चीज होता है जिसमें बच्चों को एक अलग अलग एक्टिविटी सिखाया जाता है। जो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सारे जो बच्चे हैं कैलीग्राफी लेटर को सीख रहे हैं, और एक ऐसी समर कैंप में बहुत सारे ऐसी चीज होते हैं जो आप लोगों को बताया जाता है। और पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भाई, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ और अपने आपके लिए एक अच्छा चीज ले आता हूँ जो आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देख लीजिए यहाँ पर सारे स्कूल के बच्चे इस समर कैंप में आए हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, जो एक नई नई चीज हर रोज सीख रहे हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट। थैंक यू।